दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के टॉप बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं और साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। बड़ी खबर, राज्य के अधिकतर जिलों में लू और प्रचंड गर्मी, उत्तर बिहार में 18 से 20 तक बारिश की चेतावनी। जहां बिहार में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, गर्मी लगातार हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही है। पारे में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी से पटना सहित ज्यादातर जिलों में सुबह 8 बजे से ही लोग गर्मी से बेहाल रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से बताया गया है कि सुबह में 72 घंटों तक लू की स्थिति रहेगी। बारिश नहीं होने की स्थिति में कई जगहों पर पारा 44 डिग्री तक जा सकता है। जिन जिलों के लिए अलर्ट है, यहां विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। वहीं भीषण गर्मी के बीच उत्तर बिहार के कुछ जिलों में बारिश से राहत भी मिल सकती है। पूर्व हवा के प्रभाव और तापमान में आंशिक बढ़ोतरी से उत्तर बिहार में गरज सड़क और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस ओर 18 से 20 अप्रैल के बीच बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। इन जिलों में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया व एक अन्य जिला शामिल है। बड़ी खबर, भोजपुर में टूटा 90 सालों का रिकॉर्ड, अप्रैल में 44 डिग्री पर पहुंचा तापमान, सुबह 11 बजे के बाद घर से निकलना हुआ मुश्किल। जी हां, आरा के भोजपुर में इस साल भीषण गर्मी ने 90 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अप्रैल में ही पारा 44 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है, जबकि मई माह अभी बाकी है। इस भीषण गर्मी के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आम से लेकर हरी सब्जियों में बैगन, भिंडी, करेली, लौकी, परवल, कटहल, मूली की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। गर्मी से झुलसकर आम के टिकड़ों को 15 से 20% तक नुकसान हुआ है, जबकि पिछले वर्षों की तुलना में चना व गेहूं के उत्पादन में भी कमी दर्ज की गई थी। बता दें कि सुबह 11 बजे के बाद घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। दोपहर होते होते सड़कें वीरान होती जा रही है। सरकारी दफ्तरों में भी सामान्य दिनों की तुलना में लोग अपने कामों को लेकर कम पहुँच रहे हैं। इससे भीड़ भाड़ नहीं के बराबर देखने को मिल रही है। 15 से लेकर 16 अप्रैल तक तापमान में कोई कमी होने की गुंजाइश नहीं दिख रही है। बड़ी खबर, यात्रियों के लिए खुशखबरी, 18 अप्रैल से रोज चलेगी हटिया पटना पाटलिपुत्र एक्सप्रेस। जी 18 अप्रैल से धनबाद होकर चलने वाली हटिया पटना पाटलिपुत्र एक्सप्रेस पूर्व की तरह प्रतिदिन चलेगी। साउथ ईस्टर्न रेलवे ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। कोरोना काल में ट्रेन के बंद होने के बाद जब इसे दोबारा चालू किया गया था तो ये ट्रेन सप्ताह में 3 दिन ही चल रही थी। वापसी में 19 अप्रैल से पाटलिपुत्र को पटना से हर दिन चलाया जाएगा। जल्द ही सप्ताह में 7 दिनों का रिजर्वेशन शुरू किया जाएगा। 20 महीने बाद 9 नवंबर से 18622 हटिया पटना पाटलिपुत्र एक्सप्रेस हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को स्पेशल के रूप में चल रही थी, अब सप्ताह के 7 दिन चलने लगेगी। पर बिहार के यात्रियों को मिलेगी सहूलियत, जल्द नेशनल और स्टेट हाईवे पर खुलेंगे 1302 नए पेट्रोल पंप। जी हां, बिहार में 1302 नए पेट्रोल पंप खुलेंगे। इसमें 670 इंडियन ऑयल, 319 हिंदुस्तान पेट्रोलियम और 313 भारत पेट्रोलियम के पंप है। पेट्रोलियम कंपनियों ने पटना हाईकोर्ट में यह जानकारी दी है। ये सभी पेट्रोल पंप राष्ट्रीय राजमार्ग तथा स्टेट हाईवे पर खुलेंगे। यह पर्याप्त पेट्रोल पंप नहीं होने तथा इन मार्गों से गुजरने वाले लोगों के लिए समुचित सुविधा उपलब्ध नहीं रहने के मामले में पटना हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई थी। बड़ी खबर, बिहार के छात्रों के लिए अच्छी खबर, वर्ष के अंत तक मिलेंगे 8 इंजीनियरिंग और 4 पॉलिटेक्निक कॉलेज। प्रदेश के 8 और जिलों में इस वर्ष के अंत तक इंजीनियरिंग कॉलेज और 4 जिलों में पॉलिटेक्निक कॉलेज बनकर तैयार हो जाएंगे। भवन निर्माण विभाग ने इन संस्थानों के भवन निर्माण का काम पूरा करने के लिए नवम्बर-दिसंबर 2022 तक की निमियाद तय की है। आपको बता दें कि 7 निश्चय के तहत 31 जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना की जानी है। योजना के प्रभावी होने से लेकर अब तक 31 में से 23 कॉलेज भवनों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। इसी प्रकार प्रत्येक जिले में पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना भी होनी है। 7 निश्चय तहत 11 पॉलिटेक्निक का निर्माण पूरा किया जा चुका है। आपको बता दें कि जिन इंजीनियरिंग कॉलेज भवन का निर्माण फिलहाल जारी है उनमें शेखपुरा, खगड़िया, समस्तीपुर, शिवहर, कटिहार, बक्सर, आरा और सिवान है, जबकि अरवल, जहानाबाद, पश्चिम चंपारण और भोजपुर में पॉलिटेक्निक भवनों का निर्माण हो रहा है। साथ ही आपको बता दें कि जिन जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज बनकर तैयार हो चुका है उनमें बख्तियारपुर, सासाराम, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया व जमुई, बांका, कैमूर, किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, नवादा, वैशाली, मुंगेर, जहानाबाद, अरवल, लखीसराय, सीतामढ़ी, गोपालगंज, अररिया, मधुबनी, औरंगाबाद एवं बेगूसराय शामिल है। और जिन जिलों में पॉलिटेक्निक कॉलेज बनकर तैयार है उसमें मधेपुरा, मुंगेर, समस्तीपुर, शेखपुरा, नवादा, अररिया, बक्सर, सिवान, किशनगंज, औरंगाबाद एवं खगड़िया शामिल है।
और बिहार में डरा रहा है कोरोना का चौथी लहर का खतरा। ट्रैकिंग के साथ बढ़ाई जाएगी कोरोना की टेस्टिंग, बाहर से आने वालों पर नजर। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली के साथ कई राज्यों में एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश के सात राज्यों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। देश के कुल 734 जिलों में से 29 ऐसे हैं जहां वीकली पॉजिटिविटी रेट 5% से अधिक है। ऐसे में कोरोना की चौथी लहर का खतरा मंडरा रहा है। बिहार में हालात अभी ऐसे नहीं है, लेकिन देश में बढ़ रहे संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। बाहर से आने वालों की टेस्टिंग कराने के साथ ही अब ट्रैकिंग की तैयारी है। कोरोना को लेकर हो जाइए सतर्क। पटना में नए वेरिएंट में मई जून में तेजी से बढ़ेंगे मामले, स्वास्थ्य विभाग ने जताई आशंका। जी हां, गुजरात मुंबई में कोरोना के नए एक्सिव वेरिएंट के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सभी सिविल सर्जन को 18 अप्रैल तक तमाम तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य विभाग का आकलन है कि मई के अंतिम से लेकर जून के प्रथम सप्ताह तक कोरोना मामलों की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ सकती है। इसे लेकर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जागरूक लोग और पुलिस जवान ठीक मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को टोकने लगे हैं। वह स्वास्थ्य विभाग की ओर से अभी तक किसी सार्वजनिक स्थल पर कोरोना जांच का प्रबंध नहीं किया गया है। बड़ी खबर, महंगाई का एक और झटका। पटना में पेट्रोल डीजल के बाद पीएनजी और सीएनजी भी महंगा। जी हां, पटना में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में 5 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। गैस की नई दरें शुक्रवार रात 12 बजे से प्रभावी हो गई है। बिहार में अब सीएनजी गैस की कीमत भी पेट्रोल डीजल की राह पर चलने लगी है। पटना में गैस वितरण करने वाली कंपनी गेल लिमिटेड ने सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में 5 रुपए की बढ़ोतरी की है। बढ़े हुए रेट के बाद पटना में सीएनजी की कीमत 72.96 रुपए से बढ़कर 77.96 रुपए प्रति किलो व पीएनजी की कीमत 39.87 रुपए से बढ़कर 44.87 रुपए प्रति एससीएम हो गई है। बिहार में अभी 4 वर्ष से स्नातक पाठ्यक्रम नहीं होंगे लागू, लेकिन इसी सत्र से प्रभावी होंगे सीबीसीएस। जी हां, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 4 वर्ष से स्नातक पाठ्यक्रम कार्यक्रम अभी बिहार के विश्वविद्यालय में लागू नहीं होंगे। इसके लिए पाठ्य ढांचा एवं क्रेडिट प्रणाली की तैयारी करनी होगी, लेकिन नए सत्र से स्नातक कोर्स में च्वाइस बेस्ड क्रेडिट कार्ड सिस्टम अनिवार्य रूप से लागू किया जा रहा है। इसकी शुरुआत पटना यूनिवर्सिटी ने की है। हालांकि पटना यूनिवर्सिटी ने 2021 में नेशनल कोर्स में सीबीसीएस को लागू कर दिया था। अब यहां स्नातक से रेगुलर कोर्स में सीबीसीएस लागू किया गया है। इससे पहले वर्ष 2019 में विश्वविद्यालय में स्नातक को तौर पाठ्यक्रम में सीबीसीएस को लागू किया गया था। आपको बता दें कि सीबीसीएस एक नया ग्रेडिंग सिस्टम है जो अब से सभी स्नातक या उससे अधिक के डिग्री में लागू होगा। जैसे परीक्षा में पहले नंबर दिए जाते थे, लेकिन अब क्रेडिट पॉइंट दिए जाएंगे। यह व्यवस्था स्नातक को तौर पाठ्यक्रम में लागू है। इसे यूँ समझे कि जैसे सीबीएसई के स्कूलों में सीजीपीए को समझते हैं, ठीक इसी प्रकार के नियम को सीबीसीएस कहा जाता है। अगली बड़ी खबर, बिहार के 85,000 किसानों के बैंक अकाउंट में आएगी राशि। 13.23 लाख ने किया था आवेदन। जी हां, बाढ़ और सूखे के कारण फसल बर्बाद होने पर कृषि इनपुट अनुदान के लिए 13.23 लाख किसानों ने कृषि विभाग में आवेदन दिया था। इनमें 12 लाख से अधिक किसानों को 2 चरणों में अनुदान राशि का भुगतान कर दिया गया है, लेकिन 85,000 किसानों का अनुदान अब भी लंबित है। सर्वर की गड़बड़ी के कारण अनुदान का भुगतान नहीं हो पाया है। कृषि सचिव की समीक्षा में तीसरी बार फिर गत भुगतान का निर्देश दिया गया है। अब उम्मीद है कि 2 वर्ष से कृषि इनपुट अनुदान की आस लगाए 85,000 से अधिक किसानों के खाते में जल्दी ही राहत राशि पहुंच जाएगी। नोडल पदाधिकारियों ने किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर करने के लिए शासन से दोबारा अनुमति मांगी है। और बिहार में घर बनाना हुआ महंगा, 50% तक बढ़े सीमेंट और सरिया के दाम। जहां राज्य में महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल और गैस खाने पीने के सामान सबके दाम बढ़ रहे हैं और अब घर बनाना भी महंगा हो गया है। यह कीमत पिछले 5 माह से निरंतर बढ़ रही है। वहीं सरिया के दाम आसमान छू रहे हैं। निर्माण सामग्री महंगी होने के कारण घर बनाना भी महंगा हो गया है। कच्चे माल की कीमतों में लगभग 40% तक वृद्धि होने के कारण बिल्डिंग मटेरियल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। फिलहाल इन सामग्रियों के बड़े दाम को आका जाए तो बीते 4 माह के मुकाबले अब घर बनाना करीब 50% तक महंगा हुआ है। ब्रांडेड कंपनियों ने एक सप्ताह में सीमेंट की बोरी पर 25 से 30 रुपए तक बढ़ा दिए हैं। अब सीमेंट की एक बोरी की कीमत 365 से 375 रुपए तक पहुंच गई है। वहीं सरिया की कीमत भी 2 महीने में 50-52 रुपए किलो से बढ़कर 80-85 रुपए किलो तक पहुँच गई है।
खबर, अब जूता पर रोक, चप्पल पहनकर देने होंगे इंटर के कंपार्टमेंटल परीक्षा। बिहार बोर्ड ने जारी किया निर्देश। जी हां, बिहार बोर्ड ने इंटर के कंपार्टमेंटल परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को निर्देश दिया कि वे चप्पल पहनकर ही परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इंटर के मुख्य परीक्षा फरवरी में हुई थी। काफी ठंड होने के कारण जूता मोजा पहनने की इजाजत दी गई थी। अब वातावरण गर्म होने के कारण चप्पल पहनकर आने का निर्देश दिया गया है। इंटर के कंपार्टमेंटल परीक्षा 25 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है। जल्द ही हर इसके लिए प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। प्रायोगिक परीक्षा 18 से 20 अप्रैल तक ली जाएगी। अगली बड़ी खबर, कोरोना काल में गेहूं के एमएसपी पे 90 रुपये का इजाफा। बिहार में 2015 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 20 अप्रैल से शुरू होगी खरीदारी। जी हां, बिहार में कोरोना काल के 2 साल के दौरान गेहूं के एमएसपी की दर में 90 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। 2020-21 में जो गेहूं का मिनिमम सपोर्ट प्राइस मूल्य 1925 रुपये प्रति क्विंटल था, वो अब इस साल बढ़कर 2015 रुपये हो गया है। सरकार की तरफ से 2021-22 में 50 रुपये और 2022-23 में एमएसपी पे 40 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। खबर, जीतनराम मांझी ने बेटे संतोष मांझी को सौंपी हम की कमान। पूर्व सीएम ने कहा, मेरा स्वास्थ्य गिर रहा है। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने अपने बेटे और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री संतोष मांझी को हिंदुस्तान आवाम मोर्चा की कमान सौंप दी है। उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। शनिवार को पार्टी की गरीब चेतना महासम्मेलन में उन्हें इसकी विधिवत घोषणा की। मांझी ने कहा कि उनका स्वास्थ्य गिर रहा है, इसीलिए अध्यक्ष पद छोड़ रहा हूँ, पर मैं पार्टी के संरक्षण के रूप में कार्य करता रहूंगा और देखूंगा कि संतोष मांझी कैसा काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि हम द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में सम्मेलन बुलाया गया था, जिसमें राज्य के सभी जिलों से नेता कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे थे। अगली बड़ी खबर, चमकी बुखार पर सीएम नीतीश ने किया अलर्ट, बोले निपटने की पूरी तैयारी। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि चमकी बुखार से लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसको लेकर हम लोगों ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। डॉक्टर और प्रशासन भी इसको लेकर पूरी तरह सतर्क है, लोगों को भी अलर्ट किया जा रहा है। देख ही रहे हैं कि कितनी गर्मी है। चमकी बुखार के लिए सभी स्तर पर अलर्ट कर दिया गया है, इसकी चिंता हम लोगों को पहले से है। मुख्यमंत्री गुरुवार को अंबेडकर जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। इसी दौरान बढ़ती गर्मी और एएस से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री ने उक्त बातें कही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस बार कई वर्षों से ज्यादा गर्मी पड़ रही है, इसी गर्मी से हम लोगों के बीच घूम रहे हैं, हम तो देखते हैं कि कितनी गर्मी पड़ रही है। आज के लिए आपका सवाल बताया कि कोरोना की चौथी लहर को देखते हुए बिहार सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं।